उदाहरण 20, ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो बिंदु पी पर वृत्त को अंतः भाग में काटती है। यदि पी ए बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल दिया है। हमें यह दिया हुआ है कि पी ए की जो लंबाई है वह 2 सेंटीमीटर है। उसी तरह से पी बी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तथा पी सी की लंबाई, पी ए की लंबाई 2 सेंटीमीटर, पी बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा पी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। माना, हम मान लेते हैं कि माना पी डी की जो लंबाई है, जो कि हमें ज्ञात करना है, पी डी की लंबाई, माना पी डी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्गत या बहिर्गत प्रतिच्छेद करती है तो किसी एक जीवा के खंडों से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से बनने वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। तो हमने यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग किया है कि किसी यदि किसी वृत्त के जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्गत या बहिर्गत प्रतिच्छेद करती है तो किसी एक जीवा के खंडों से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से बनने वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होती है। अर्थात पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी बी बराबर पी डी। अब पी ए का मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, उसी तरह से पी बी का मान हमारे पास, पी बी का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, पी सी का मान 4 सेंटीमीटर है और हमने पी डी को एक्स माना है। तो अब यहाँ पे हमें 6 बराबर 4 गुणा एक्स या एक्स बराबर 6/4 या एक्स बराबर 6 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से एक्स जो है वो पी डी है और पी डी की जो लंबाई हमने ज्ञात की 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पी डी का मान ज्ञात किया। यह इस उदाहरण का हल होगा।